सबको नमस्कार। आज हम 7 सितंबर बनियावाला बालवन में आए हैं और ये बालवन हमने ये बनियावाला जो हाई स्कूल है और यहाँ प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल है उनकी सहभागिता के साथ तो हम लोगों ने एक स्कूल के बैकयार्ड में एक वन बनाने की कोशिश की है और जिसमें हम लोगों ने लगभग 100 पौधे रोपित किए और ये सब पौधे अलग अलग लोगों की सहयोग से रोपित किए गए हैं। और ऐसा ही एक पौधा विनोद भट्ट जी जो भारतीय जीवन निगम में प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से उनके सहयोग से पौधा लगाया गया है और इस पौधे को लगाने के साथ ही हम उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके सहयोग जो इस पौधे के लिए मिला है इसकी हम पूरी देखभाल करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ये पौधा बड़ा हो एक वृक्ष में तब्दील हो। और साथ ही हमारी उनके इस पौधे को लगाते हैं उनके सभी परिचितों से और हमारे सभी मित्रों से जो इस वीडियो को देखेंगे उनसे अपील रहेगी कि वो अगर हमारे साथ हरेला वन के अभियान में जुड़ना चाहते हैं इसमें हम न केवल हरेला के महीने में बल्कि साल भर पौधारोपण करते हैं और वो हमारे साथ कभी भी जुड़ करके एक पौधे के लिए सहयोग कर सकते हैं एक या एक अधिक पौधे के लिए सहयोग कर सकते हैं और पौधे का सहयोग मात्र 100 रुपये महीना है और वार्षिक 1200 रुपये। जो राशि यहाँ पर जो इसकी देख रेख करते हैं बाबूराम जी और अन्य लोग उनके निमित्त जाती है और इस तरह से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि पौधा होकर वृक्ष बने। आज हमारे साथ यहाँ पर बालवन के संयोजक मेजर महावीर रावत, बालवन की टीम से विकास मित्तल जी, रमेश गुप्ता जी और स्मृति वन का संयोजक वीरेंद्र खंडूरी जी हैं। साथ में हमारे जो दो सहायक यहाँ पर काम करते हैं बाबूराम जी और मुन्ना जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से इसको बहुत एक सुंदर स्थान बना दिया। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में सबके सहयोग से ये स्थान बहुत सुंदर। धन्यवाद।